और मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इससे पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ में मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना भी की और इस दौरान हेमा मालिनी का चुनाव को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया है। मथुरा से हेमा मालिनी ने बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। हेमा मालिनी ने मथुरा से पर्चा भरने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर बांके बिहारी जी के दर्शन भी किए। उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हेमा मालिनी के साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। ब्रजवासी भी मेरे साथ हैं, मुझे पूरा यकीन है और उन सबके आशीर्वाद से फिर एक और बार आप सबके साथ मिलकर काम करने का अवसर मिल रहा है, तो मुझे पूरा यकीन ये भी है कि इस बार जो चुनाव होगी उसमें बहुत मेहनत भी करेंगे। ऐसे वी वोंट टेक इट लाइटली एंड वी विल वर्क हार्ड एंड कम बैक अगेन वापस आएंगे। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हेमा मालिनी वृंदावन से भाजपा नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने अपना पर्चा भरा और कहा कि वो एक बार फिर ब्रिज की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, सबको लेकर जाएंगे, जितने जितने जो जो तकलीफें हैं वो सबको सॉर्ट आउट करेंगे और उनके जो जो काम किया है उसको भी बताएंगे और उसके अनुसार यहाँ पे भी लोगों को बताएंगे कि क्या क्या इनको हासिल करना चाहिए, क्योंकि किसी लोगों को मालूम भी नहीं कि क्या उपलब्धियाँ दी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। हेमा मालिनी ने मथुरा लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल कर जीत का दावा तो किया ही, साथ ही ये भी कहा कि इस बार के बाद वो शायद चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगी, ये उनका आखिरी चुनाव होगा और चूंकि उन्होंने ब्रिज के लिए काफी काम किया है तो ये उस काम के परिणाम को समझने और देखने का भी समय है। ताकि जो सुविधाएं जो होनी चाहिए पूरा वृंदावन मथुरा में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज्म सेंटर है, इसमें आने वाले लोगों को बहुत सुविधा बहुत अच्छी तरह से हो और यहाँ आते एक कृष्ण की भक्ति में इस किस्म का एक एटमॉस्फेयर मैं ज़रूर बनाना चाहती हूँ। ज़रूर ये तो ये विकास तो हो ही रही है बहुत अच्छी तरह से, जो पहले पिछले कई सालों से जो नहीं हुआ वो सब हो रहा है, तो इसके अलावा जो जो ज़रूरतें हैं जो मॉडर्न तरीके में जो जो बदलना है उन सबको हम जल्दी से जल्द करेंगे। बहरहाल एक बार फिर हेमा मालिनी को ब्रिज की जनता का दुलार मिलेगा ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। वहीं हेमा मालिनी का ये भी मानना है कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए बीजेपी बेहतर काम कर रही है। मथुरा से मनोहर पटेल के साथ नोएडा से रविंद्र कुमार, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।